वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय अमन प्रजापति। सो गाइस, आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं रिक्रिएटिंग फोटो ऑफ आलिया भट्ट एंड वरुण धवन पार्ट वन। सो गाइस, आप लोगों को ना हमारे लुक रिक्रिएशन वीडियोस ना बहुत ही पसंद आते हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को लुक रिक्रिएशन वाली वीडियो ही दिखाएं। बहुत अच्छा जोक मारा है ना। मैं आपको अब जल्दी से बता देती हूँ कि मैं कौन सा लहंगा पहनने वाली हूँ। सो मैं पहनने वाली हूँ ये ग्रीन कलर का लहंगा। जैसे आलिया भट्ट मैम के लहंगे में ना फूल पत्तियाँ बनी है ना, वैसे मेरे भी लहंगे में फूल पत्तियाँ बनी है, एकदम सेम फूल पत्तियाँ बनी है। और मुझे नहीं पता कि सारे सेम कपड़े मेरी माँ कहाँ से चुरा कर लेके आती है। चुरा कर नहीं लाती है, खरीद कर लाती है, कुछ भी मत बोल ठीक है। खरीद के लाती है, एकदम सेम मम्मी को कैसे मिल जाता है, मैं तो जब जाती हूँ ना तब मुझे मिलता ही नहीं है। क्योंकि तुझे खरीदने आता ही नहीं है, सिलेक्ट करने आता ही नहीं है, बना बनाया हुआ पहन लेती है और बोलती है कि मैंने लुक रिक्रिएशन किया है ना। अब मेरी इतनी तारीफ मत करो। सिर्फ चनिया चो मैचिंग ही चनिया चोली का ब्लाउज एकदम मैचिंग है, ग्रीन कलर का दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। अरे ये लाल तो है ही नहीं, ये तो ग्रीन कलर का दुपट्टा है। एक बार फिर से बोलते ठीक है, ग्रीन दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। मैंने आपको मेरे कपड़े दिखा दिए कि मैं कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना फेवरेट चीज करने, मीन्स मैं जा रही हूँ मेकअप करने। दिल्ली से आई हूँ ना, उसके 10-15 दिन के बाद मैं मेकअप करने वाली हूँ। सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बड़े मिरर में ही काजल करना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे बड़े मिरर में ही काजल करना अच्छा लगता है ताकि मैं अपने आप को पूरी देख सकूं। ओहो, कितना टाइम लगेगा मेकअप करने में? और 1-2 घंटे बस। सो मैं भी फिर 10 घंटे लूंगा अपना लुक रिक्रिएट करने के लिए। नहीं, आप जल्दी जल्दी कर देना ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं अब 10 घंटे ही लूंगा। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। मेरे पास भी मांग टीका।
पहने। थोड़ा साइड में रखा हाँ ऐसे और इस तरफ देख, इस तरफ ये हाथ तो सीधा कर अपना, खींचो फोटो। अरे अच्छे से स्माइल दे ना। अरे अच्छे से स्माइल दे रही हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा, स्माइल दे, थोड़ी सी टेढ़ी हो और मुंडी सीधी। खुशबू का लुक रिक्रिएशन तो देख ही लिया होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसका लुक रिक्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम वरुण धवन सर का लुक रिक्रिएट। काफी लोग बोलते हैं ना कि मेरा फेस जो है वो वरुण धवन सर जैसा थोड़ा थोड़ा है ना मिलता है। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मैं उनका फोटो जो है वो रिक्रिएट करने वाला हूँ तो वो एग्जैक्ट सेम आएगा कि नहीं, वो जानने के लिए। सो गाइस मैं जो लुक रिक्रिएट करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए कि मैं कौन सा पिक जो है वो रिक्रिएट करने वाला हूँ। देख ही सकते हो वरुण धवन सर इस फोटो में कितने हैंडसम लग रहे हैं और मैं पूरी की पूरी है ना कोशिश करूंगा कि मैं उनके जितना ही हैंडसम दिखूं, जो कि मैं हो नहीं पाऊंगा फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा, मेरा रिक्रिएशन पसंद आए। सो गाइस अगर फोटो में दिख ही रहा होगा वरुण धवन सर ने पहना हुआ है एक क्रीम कलर का कुर्ता। सो गाइस सेम टू सेम कुर्ता जो है वो मेरी मम्मी मार्केट से कपड़ा लाकर और सिलवा दी है। टेलर अंकल ने ना पूरा का पूरा कोशिश किया है सेम टू सेम सिलने का, लेकिन उन्होंने ये जो पट्टी है ना वो बहुत ही डिफरेंट लगा दी है। थोड़ा सा कम शाइनिंग वाला पट्टी लगाते ना तो एग्जैक्ट सेम टू सेम कुर्ता ना वरुण धवन सर जैसा बन जाता। फैब्रिक जो है ना वो सेम टू सेम ना हुआ है ना वैसा का वैसा ही है, सिर्फ पट्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, लेकिन चलेगा, कुर्ता अच्छा लगा मुझे, बहुत ही स्टाइलिश है। नीचे वरुण सर ने पहना हुआ है धोती, सो गाइस सेम टू सेम धोती जो है वो टेलर अंकल ने सिल दिया है। सो देख ही सकते हो एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम टू सेम है, ये देखकर कोई नहीं बोल सकता है ना कि वो फोटो से मैचिंग नहीं है, एकदम परफेक्ट। फटाफट से जाता हूँ और ये जो कपड़े है वो पहनकर आता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। रेडी जो है वो हो चुका हूँ। फोटो में आपको दिख ही रहा होगा वरुण सर ने ना अपनी आंखों में काजल लगाया है। सो मैंने भी लगा लिया है अपनी आंखों में काजल और उन्होंने पहना है स्टेनलेस स्टील वाली इयररिंग, सो मैंने भी पहन लिया है और उन्होंने पहना हुआ है ब्लैक कलर का शूज या फिर मोजड़ी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या उन्होंने पहना है, तो मैंने अपने स्कूल का शूज जो है वो पहन लिया है। सो गाइस काम चलाने के लिए मैंने कुछ भी पहन लिया है, सो माफ कर देना मुझे। बैठना है और कैमरे की तरफ देखकर स्माइल देनी है। स्माइल देनी है कि नहीं देनी मुझे? एटीट्यूड रखनी है और हल्की सी स्माइल देनी है। एटीट्यूड देनी है और हल्की सी स्माइल, अच्छा ऐसे और स्माइल कर। हाँ बस वही स्माइल है ही नहीं, मुझे दिखाना। अरे है। अच्छा हाँ थोड़ी सी हल्की सी स्माइल है। सेकंड पोज जो है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला पोज कुछ है सही है। भैया गर्मी लग रही है? ना ना मुझे तो गर्मी लगी नहीं रही है ना, देखो देखो गर्मी तो लगी नहीं रही है, मैं तो शिमला घूमने आया हूँ है ना मम्मी। चलो 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 विंटर्स के कपड़े निकाल दो मम्मी। होप करता हूँ गाइस इस आउटफिट का लुक रिक्रिएशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपने सारी की सारी फोटोज जो है वो देख ली होगी। अब बढ़ते हैं लुक रिक्रिएशन नंबर टू की तरफ। फोटो में दिख ही रहा होगा वरुण धवन सर ने पहना हुआ है ब्लैक कलर का कुर्ता। सो गाइस सेम टू सेम कुर्ता जो है वो मैंने सिलवा लिया है और आपको दिख ही रहा होगा उनके कुर्ते पे ना ग्रे कलर की बॉर्डर है। सो गाइस सेम टू सेम बॉर्डर जो है वो मैंने लगवा ली है जिससे सेम टू सेम सिमिलर लुक है कुर्ते का। वरुण धवन सर ने पहना हुआ है ब्लैक कलर की धोती। सो गाइस सेम टू सेम धोती जो है वो मैंने सिलवा ली है, सिर्फ ना उनके धोती का जो फैब्रिक है ना वो अलग है और मेरी धोती का फैब्रिक है ना अलग है। और उन्होंने हाथ में लिया हुआ है ऐसे टाइप का सन ग्लासेस,
सो गाइस सेम टू सेम सनग्लासेस जो है वो मुझे मिल चुका है, हाथ में पहना हुआ है गोल्डन और सिल्वर कलर का कड़ा या फिर ब्रेसलेट, पता नहीं क्या पहना हुआ है, साफ साफ दिख नहीं रहा है। सो मैं कड़ा ही पहनने वाला हूँ, फटाफट से जाता हूँ और कपड़े चेंज करके आता हूँ। ये मेरा सेकंड लुक रिक्रिएशन का फाइनल लुक। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ब्लैक कलर के कपड़े में ना बहुत ही हैंडसम लगता हूँ, स्मार्ट लगता हूँ, एकदम जोरदार लगता हूँ। कमेंट में बताना क्या मैं हैंडसम लगता हूँ ब्लैक कपड़ों में। और मेरा ये डायलॉग सुन के ना मम्मी बिहाइंड द कैमरा ना बहुत ही हंस रही है, मम्मी आपको बड़ी हंसी आ रही है। गाइस कमेंट में बता दो मैं हैंडसम लगता हूँ ना ब्लैक कलर के कपड़े में। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने पार्किंग में, क्योंकि वहाँ पे ये ना सिमिलर बैकग्राउंड है, जैसा वरुण सर के फोटो में बैकग्राउंड है ना वैसे ही थोड़ा बहुत सिमिलर बैकग्राउंड है। सो थोड़ा बहुत तो सेम टू सेम फोटो मुझे भी चाहिए ना। सो फटाफट से चलते हैं पार्किंग में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो ना अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का ना पार्ट टू बहुत ही जल्दी आने वाला है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।